नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इनका अध्ययन करेंगे। आज हमारी लाइव क्लास की जगह हम आपके लिए थ्योरी क्लास लेके आए। उम्मीद करूंगा ये क्लास भी आपको अन्य क्लास की तरह पसंद आएगी। और हमारा लाइव टेस्ट है वो 9 बजे कल से हम रेगुलर वापस शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारे संडे को हम 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है वो भी लेके आएंगे, तो वो भी आप देखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन आंसर हम करते हैं यहाँ पे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन सबसे पहले कहते हैं किसे हैं? ये जानते हैं। तो देखिए, मातृ कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन है उसको हार्वर्ड और फेल्प ने 4 चरणों में बांटा है। उसमें 4 चरण कौन से हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, जीवन अवस्था सबसे पहली अवस्था होती है, जीवन अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए और आवश्यक प्रोटीनों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो ये अवस्था को आप ध्यान रख लीजिएगा, जीवन अवस्था में क्या होता है, आरएनए और आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। दूसरी अवस्था होती है एस अवस्था, और इस अवस्था के अंदर डीएनए संश्लेषण की अवस्था होती है ये, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। पहली आरएनए और आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण, दूसरी अवस्था एस अवस्था में डीएनए संश्लेषण, और तीसरी जी2 अवस्था, इसमें विभाजन की तैयारी, और तीसरी है एम अवस्था, इसके चौथी इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, चारों स्टेज है, चारों स्टेज में क्या क्या होता है। अब देखो, जो चौथी अवस्था है इसे पुनः 5 चरणों के अंदर हम बांट लेते हैं, और वो क्या होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब हम इसको वापस डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था क्या होती है, इसमें जी1, एस और जी2 अवस्था को सम्मिलित रूप से इंटरफेज कहते हैं। देखिए, अंतरावस्था या इंटरफेज, अंतरावस्था या इंटरफेज है उसके नाम से हम जानते हैं, जी1, एस और जी2 अवस्था है उसको सम्मिलित रूप से हम इंटरफेज या अंतरावस्था कहते हैं। जो विभाजन के मध्य की अवस्था है, जो क्या होती है, विभाजन के बीच की अवस्था है, वाइट, इस अवस्था में कोशिका उपापचय क्रिया द्वारा विभाजन की तैयारी करती है, ठीक है। दूसरी अवस्था हम बात करते हैं, इसी में दूसरे की बात करें, माइक्रोटिक अवस्था, प्रावस्था की बात करें, तो इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है। देखिए, माइक्रोटिक प्रावस्था में क्या होता है, इसमें एम फेज आएगा ना, तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक द्वारा विभाजन कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस द्वारा साइनोकाइनेसिस कहलाता है। देखिए, केंद्रक का विभाजन है वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका विभाजन है वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसको एम फेज के द्वारा भी जानते हैं, और इसको हम एम फेज के द्वारा भी जानते हैं, जैसा हमने पढ़ा था, 4 फेज के अंदर हम बांटते हैं, जी1, एस और जी2, जो अंतरावस्था या इंटरफेज के नाम से जानी जाएगी, माइक्रोटिक जिसको हम एम फेज के नाम से भी जानते हैं। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए का द्विगुणन और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ध्यान रख लीजिए, कोशिका विभाजन होने से पहले डीएनए का द्विगुणन होगा और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। अब देखिए, कोशिका विभाजन होते कितने तरीके हैं, ये तो हमने प्रक्रिया चल दी कि कोशिका विभाजन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करें, तो देखिए, कोशिका विभाजन 3 तरह के होते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है सूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जिसको आप एमेटोटिक डिवीजन या एमोटोटिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले असूत्री विभाजन के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले मातृ कोशिका का केंद्रक सीधे 2 भागों में बंट जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं होती, इसमें सीधे ही मातृ कोशिका है वो केंद्रक, मातृ कोशिका का केंद्रक है वो सीधे ही 2 भागों के अंदर बंट जाता है, और इसके ठीक बाद कोशिका द्रव्य में संकुचन होने लगता है और कोशिका द्रव्य भी बंट जाता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक है वो 2 भागों में बंट जाएगा, उसके बाद में जो केंद्रक है, केंद्रक कोशिका द्रव्य, वो भी क्या हो जाएगा, संकुचन होने लग जाएगा और कोशिका द्रव्य भी बंट जाएगा। इस प्रकार कोशिका विभाजन किसी भी प्रकार की केंद्रीय घटनाएं नहीं पाई जाती है, यह अविकसित कोशिकाओं में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोशिका इससे बन जाएगी, यानी पहले केंद्रक टूटेगा, फिर कोशिका द्रव्य टूटेगा संकुचन होकर, तो इस प्रकार 2 कोशिका बन जाएगी। इस प्रकार कोशिका विभाजन में किसी भी प्रकार की केंद्रीय घटना है वो नहीं पाई जाएगी, और ये कोशिका विभाजन है ये पाया जाता है अविकसित कोशिकाओं में। उदाहरण इसके हो सकते हैं आपके जीवाणु हो सकते हैं, नील हरित शैवाल हो सकते हैं, इसके अलावा देखिए शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ, इन सभी के अंदर ये पाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम मीटोसिस, या हम बात करते हैं सूत्री विभाजन की। सूत्री विभाजन क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कोशिका विभाजन इस प्रक्रिया की खोज है, सबसे पहले तो हम बता दें खोज किसने की, तो इसकी खोज है वो की थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने, कब की थी, 1882 में। ये विभाजन काई कोशिकाओं में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये विभाजन किन में होता है, काई कोशिकाओं के अंदर होता है। इस विभाजन को 2 मुख्य भाग होते हैं, इस विभाजन का भी 2 मुख्य भाग होता है, एक होता है केंद्रक का विभाजन, और केंद्र का विभाजन जो होता है वो 2 भागों में होता है, एक होता है अंतरावस्था और एक होता है विभाजन प्रावस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरावस्था की। तो इस अवस्था में संपूर्ण विभाजन चक्र का लगभग 90 से 95% समय लगता है,
और विभाजन प्रावस्था, इस प्रावस्था में केंद्रक में श्रृंखलाबद्ध अनेक परिवर्तन होते हैं और इनको पुनः चार भागों में हम बांट लेते हैं, ठीक है। विभाजन प्रावस्था जिसे आपको एम फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मेटोटिक फेज है ना, उसकी बात करें हमें तो इसको पुनः हम चार भागों बांटेंगे। पहला होगा प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर क्या होगा, केंद्रक कला और केंद्रक केंद्रीय का लुप्त होना, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना और क्रोमेटिड्स का दृष्टिगोचर होना, इसका प्रमुख लक्षण होगा। दूसरा होता है मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। तीसरा होता है एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का विभाजन हो जाता है। और चौथा हमारा होता है टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, केंद्रक कला और केंद्रीय का प्रकीर्तन और दो केंद्रक का निर्माण होना। अब देखो दोस्तों, ये जो प्रोफेज है, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इनमें से क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, जरूर एक क्वेश्चन आएगा, तो इनको अच्छे से रट लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको याद करें, मैं कह रहा हूँ रट लो आप इनको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि प्रोफेज में क्या होगा, तो प्रोफेज में क्या होने वाला है, केंद्र कला केंद्रीय उनका क्या होगा, लुप्त होगा। स्पिंडल फाइबर का क्या होगा, निर्माण होगा, तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस में होता है, प्रोफेज में होता है। क्रोमेटिड्स का दृष्टिगोचर होगा, इसका प्रमुख लक्षण होगा। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ेगा। तीसरा है इसमें एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का विभाजन होगा। और टीलोफेज में क्या होता है, केंद्रक कला और केंद्रक का प्रकीर्तिकरण और दो केंद्रक का निर्माण होना, ठीक है। दो केंद्रक का निर्माण किस में होता है, टीलोफेज में होता है। ये जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, लापेज के समय ही कोशिका के मध्य में कोशिका प्लेट का निर्माण होकर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाती है, परिणामतः दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही हमारा सूत्री विभाजन है, यह भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में। तो देखिए, इस प्रकार के विभाजन से आनुवंशिक स्थायित्व बना रहता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। इस प्रकार का जो विभाजन हो चाहे आनुवंशिक स्थायित्व वो बना रहेगा। जाइगोट में इस प्रकार का विभाजन होता है जिसमें बहुकोशिकीय रचना का निर्माण होता है। देखिए, जाइगोट है उसमें भी इसी प्रकार का विभाजन होता है जिससे क्या होता है, बहुकोशिकीय रचना है उसका निर्माण होगा। शरीर में घावों का बढ़ना सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। शरीर के अंदर जो घावों का बढ़ना है वो भी सूत्री परिणाम के विभाजन के परिणाम स्वरूप होगा। अब बात करते हैं असूत्री विभाजन, बहुत बड़ा असूत्री विभाजन है तो इसको भी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा हम इसके ऊपर डिटेल नहीं करेंगे, पर आप समझ जाएंगे उम्मीद करूंगा मैं। तो अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर होगा। 1925 में मिसोसिस की खोज है वो फार्मर और मोरे ने की थी, जो मिसोसिस अर्धसूत्री विभाजन इसकी खोज है वो की गई थी फार्मर और मोरे के द्वारा। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के दो बार विभाजन सम्मिलित है। अब देखो, जो हमने सूत्री विभाजन किया था वही सेम इसमें होने वाला है, पर इसमें क्या होने वाला है, वो दो बार होने वाला है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के क्या हुआ है, दो बार विभाजन है सम्मिलित, ठीक है। इन दोनों के विभाजन से पहला विभाजन है वो मिसोमिस प्रथम कहलाएगा, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा विभाजन है वो मिसोसिस द्वितीय साधारण समसूत्री विभाजन की भांति होगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, जो समसूत्री विभाजन होता है उसी तरह यह हो जाएगा, ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों का बंटवारा होता है, इस कारण से इसे सम विभाजन भी कहते हैं। मिसोसिस के अंत में अगुणित कोशिकाओं बनती है, ध्यान रख लीजिएगा। मिसोसिस के अंत में क्या बनती है, अगुणित कोशिकाएं बनती है, पहले द्विगुणित थी, द्विगुणित से अगुणित कोशिकाएं बनती है। ये विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में पाया जाता है। अब ये विभाजन है, ये केवल और केवल जो लिंगी जनन करने वाले जीव है उन्हीं के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, मैंने आपको बता दिया अर्धसूत्री विभाजन है वो समसूत्री विभाजन की तरह ही होगा, पर ये दो बार होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको एक कल हमारे एक वीडियो और लेके आ जाएंगे, तो उसमें अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन के द्वारा कह सकते हैं कि इसको सर दोबारा रिपीट कराए, तो मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा, अच्छे से चित्र के माध्यम से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर, अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कल हमारी लाइव क्लास है उसके अंदर सोल्व करवा दूंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात पढ़ लेते हैं उत्तकों के बारे में भी, जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या जाता है हमारा, ठीक है। तो कुछ उत्तक के संबंध में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों उत्तकों का अध्ययन है वो जीव विज्ञान की ओतिकी के अंदर किया जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मार्सेलो मेलपिगी को। पौधों की लंबाई की वृद्धि किस उत्तक द्वारा होती है, तो दोस्तों पौधों की लंबाई की वृद्धि है वो होती है शीर्षस्थ विभाजोत्तक के द्वारा। केम्बी तथा कार केम्बिन किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है, तो वो पार्श्व विभाजिया के उदाहरण है। द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से होती है, तो वो केम्बियन तथा कार के केम्बियन केम्बियम के विभाजन से होती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं हैं वो फ्लोएम में पाई जाती है। पौधों में
पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में पाए जाते हैं? तो वो मर्दूतक, जिनको आप पेरेंट काइया के नाम से भी जानते हैं, उसमें पाए जाते हैं। सवन बंडल का उद्गम होता है तो वो रंभनजन से होता है, ठीक है। कैस्पियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वो इंडोर्समिस में पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगले की तरफ पढ़ते हैं, पार्श्व मूल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो पार्श्व मूल की उत्पत्ति है वो परिरंभ पेरिसाइसिस साइकिल से होती है। संजीव यांत्रिक उत्तक की संज्ञा किसे प्राप्त है? तो वो स्थूल कौन उत्तक को है। सन हेपेर ऐसे प्राप्त होते हैं, तो वो स्थूल कौन दृढ़ उत्तक से, दृढ़ उत्तक से और जाइलम से प्राप्त होते हैं। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव को का क्या कारण है? तो वो है दृढ़ कोसा। जलरंध होते हैं तो जल स्त्रावित ग्रंथियाँ होती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावर्त बीजी एवं टेरिडोफाइट्स है, इसके अंदर क्या होता है, जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। जड़ों द्वारा अवशोषण जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, जाइलम पहुँचाता है। पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? तो फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हरे शैवाल कैसे पादप है? तो सहपोषी पादप है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो MOP आयंगर को दी गई है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। अगर आप पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी हमारी लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारी लाइव क्लास का समय रहता है 7 बजे और 9 बजे। तो 7 बजे हम लेके आते हैं राजस्थान जीके की क्लास या जनरल नॉलेज की क्वेश्चन की क्लास लेके आते हैं। 9 बजे हम लेके आते हैं आपके बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चनों की क्लास, ठीक है। तो ये तो था कुछ से हमारी लाइव क्लास के बारे में। इसके अलावा हमारी संडे को, हर संडे को 150 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है, तो उसमें भी आप जरूर भाग लिया करें। उसका समय रखते हैं हम 8 बजे, ठीक है, 8 से 8:30 बजे के हमारा वो लाइव समय रहता है। उम्मीद करूँगा सारी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करो, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।